आपका किस चीज का ऑपरेशन हुआ? मेरे ना बच्चेदानी के ऊपर गांठ हो रही थी, अंदर गांठ हो रही थी, इस चीज़ का इसको हटाया है गांठ को मेरे बच्चेदानी से, यूट्रस से। और गांठ के कारण आपको क्या क्या तकलीफ रहती थी? गांठ के कारण मेरी ना मेरे पीरियड की प्रॉब्लम होती थी, मेरे बहुत पेन रहता था, और गांठ के कारण ना मेरे पूरा पेट ना मंथली दर्द होता था, हर वक्त कभी भी दर्द होना शुरू हो जाता था इससे। आपका फिर दूरबीन से ऑपरेशन हुआ या खुले टांकों वाला हुआ? मेरा दूरबीन से ऑपरेशन हुआ है। और ऑपरेशन के कितनी देर बाद आपको खाना पीना अलाउ कर दिया था? ऑपरेशन के 2-3 घंटे बाद ही मुझे खाना पीना अलाउ कर दिया है, और कोई प्रॉब्लम नहीं, खाना पीना जूस पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी मुझे। और कितना दर्द महसूस हुआ आपको ऑपरेशन के बाद? ऑपरेशन के बाद मुझे कुछ भी बहुत कम, जैसे मैंने सुना है खुले टांके वालों से जो ऑपरेशन होता है उसमें बहुत दर्द होता है, 3-4 महीने तक दर्द होता ही रहता है पेशेंट को, तो इसमें कुछ भी नहीं दर्द होता, थोड़ा बहुत ही दर्द होता है बस, कुछ पता भी नहीं चलता कि अपना ऑपरेशन हुआ भी है क्या, बहुत कम जो हम सहन कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते। और आपको डिस्चार्ज कितने देर में बाद मिल गया था? 24 घंटे के अंदर मिल गया था या लेट मिला था? 24 घंटे के अंदर अंदर डिस्चार्ज मिल गया था इसमें मुझे, क्यों और डिस्चार्ज भी इसलिए दिया था क्योंकि मैं कंफर्ट फील कर रही थी अपने आप को बिल्कुल सही, ना तो मुझे पेन हो रहा था, मैं घूम फिर सकती थी इसलिए। और फिर आप बाकी लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि दूरबीन वाला ऑपरेशन अच्छा है या खुले टांकों वाला अच्छा है, आप क्या बताना चाहेंगे? मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि जो खुले टांकों वाले ऑपरेशन है वो प्रॉब्लम का होता है, उससे बहुत पेन होगा और उससे हमारे 5-6 महीने तक तो हम कुछ वर्क भी नहीं कर पाएंगे, जबकि ये दूरबीन का ऑपरेशन है बहुत अच्छा है, इसमें कोई वर्क वाली कोई हाउसवाइफ हो या जॉब वाली लेडी हो तो उसको बहुत फ़ायदा रहता है, इससे दर्द भी कम होता है और सेकेंड डे ही 24 आवर्स के अंदर ही वो अपना वर्क कर सकती, ऑफिस जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चढ़ उतर सकती है, कोई सभी काम हमें कुछ कार्य करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती इससे।